हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हायर एजुकेशन और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बीबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जिसको बीबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी बोला जाता है। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट की, जिसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि सर सेम वीडियो हमें बीबीए के ऊपर भी बना के दो। सो इस वीडियो में मैं आज आपके लिए लेके आया हूं बीबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट के करियर स्कोप, सैलरी, जॉब अपॉर्चुनिटी, सिलेबस एंड इसकी एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, ए टू जेड चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में बनाते हैं एजुकेशन वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बीबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता क्या है। कभी भी आप हॉस्पिटल में विजिट करते हो तो आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें कितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रही है आपके सामने। जितने भी ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन का मतलब जो वहाँ पे वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कितने अच्छी तरीके से वहाँ पे हर एक पर्सन अपने हैंडल कर रहा है। जैसे कि नर्सिंग डिपार्टमेंट हो, एडमिन डिपार्टमेंट हो, फ्लोरिंग डिपार्टमेंट हो, वेस्ट प्रोडक्ट्स को मैनेज करना या फिर अकाउंट्स को संभालना, मेडिसिंस की अकाउंट्स को देखना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देखना, ए टू जेड चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बीबीए या फिर एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स ही संभालते हैं। तो फ्रेंड्स, बीबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है। तो आपको कभी भी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हॉस्पिटल इंडस्ट्री हर साल ग्रो कर रही है और आपके पास एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज आती जा रही है। दोस्तों, बीबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट हेल्थ केयर मैनेजमेंट 3 साल का कोर्स होता है, जिसको हम 6 सेमेस्टर में इक्वली डिवाइड करते हैं। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्लास 12th में 50% मार्क्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हो तो आप इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर तो दोस्तों, अगर हम इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो कई सारे कॉलेजेस अपने लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, कई सारे कॉलेज डायरेक्ट मेरिट बेस पे भी आपको एडमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपके नियर बाय में जो भी कॉलेजेस इस कोर्स को कराते हैं, आप वहाँ पे जाके एडमिशन प्रोसेस को जान के वहाँ पे एनरोल करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं हमें इस कोर्स में पढ़ना क्या होता है। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लिनिक सर्विसेज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मार्केटिंग मैनेजमेंट, हेल्थ इकोनॉमिक्स, हेल्थ पॉलिसी, हॉस्पिटल प्लानिंग, मटेरियल इक्विपमेंट मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, एनजीओ मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमारे पास किस डिपार्टमेंट में, किस एरिया में स्कोप होता है जॉब्स करने का। सो मेडिकल टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटिंग लेबोरेटरीज, मेडिकल रिकॉर्ड साइंस, हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट, क्वालिटी इन हेल्थ केयर एंड हेल्थ इकोनॉमिक्स के एरिया में आप काम कर सकते हो। अगर आपके माइंड में ये भी आ रहा है कि मेरी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, तो जॉब प्रोफाइल्स आपकी फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटर, बिलिंग एग्जीक्यूटिव या फिर रिलेशन मैनेजर की पोस्ट पे आप काम कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में, क्योंकि एक बैचलर कोर्स है तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग फ्रेशर सैलरी जो आपकी होगी 8,000 to 18,000 पर मंथ आप अर्न कर सकते हो। आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ 1 or 2 years यू कैन अर्न अप टू 20,000 to 45,000 पर मंथ। अगर आप इसके अंदर MBA कर लेते हो या फिर मास्टर्स प्रोग्राम कर लेते हो तो आपकी सैलरी इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों, सैलरी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोर्स कर ले तो आपकी लिमिटेड इतनी ही सैलरी रहेगी। वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी डिपेंड करता है, साथ ही साथ आपके एरिया ऑफ वर्क में भी डिपेंड करता है कि आप अर्बन एरिया में काम कर रहे हो, रूरल एरिया में काम कर रहे हो। आपकी वर्क एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। क्वालिटी ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, मतलब कॉलेज आपका कैसा रहा होगा, किस रेपुटेड कॉलेज से आपने पढ़ाई करी है, उस पर भी आपकी सैलरी डिपेंड करती है। सो सैलरी के काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। बाकी ये कोर्स काफ़ी अच्छा है अगर आप करते हो तो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बायोलॉजी होना ज़रूरी है, क्लास 12th में आप साइंस स्टूडेंट नहीं हो तो भी आप हॉस्पिटल सेक्टर में वर्क कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। इसी तरीके एजुकेशनल कॉन्टेंट के लिए बने रहिए हमारे चैनल हायर एजुकेशन के साथ। थैंक यू सो मच।